खोजी टीवी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आले सऊद की पाकिस्तान दुश्मनी वाजे हो चुकी है। पाकिस्तान को दो टोक पैगाम दे दिए गए हैं, आप तुर्की, ईरान और मलाइशिया से ताल्लुकात खत्म करें, चीन से भी मुंह मोड़ लें और सी पैक से भी पीछे हट जाएं और राबते खत्म करके अमरीकी ब्लॉक में शामिल हो जाएं। सऊदी अरब इन ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों खत्म करवाना चाहता है, इसके पीछे आखिर कौन से मकासिद कार फरमा है? तहलका खेज इनकिशाफात मंजरेआम पर आ चुके हैं। क्या इनके जवाब में पाकिस्तानी हुकूमत भी बड़े इकदाम कर सकती है? अरब इतिहाद और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती दूरियां किस तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती हैं? मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान किन मुश्किलात में घिर सकता है? इन मौजूआत की तफसील जानने से पहले हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। पाकिस्तानी हुकूमत ने हर मुमकिन इकदाम से सऊदी फरमा रवाओं को खुश रखने की कोशिश की, ताहम अमरीका नवाजी में शायद सऊदी अरब पाकिस्तान से मुंह फेरने की जुरत कर रहा है। गंभीर होती सूरत हाल के हवाले से अंदरूनी जराए हैरान कुन इनकिशाफात कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही इनकिशाफात गुज़श्ता रोज मंजे आम पर आए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गुज़श्ता रोज एक सीनियर सहाफी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, मगर पाकिस्तानी हुकूमत इंतहाई तदब्बुराना फैसले करके इस ब्लैकमेलिंग से निकल रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा दिया था जो कि 3.2% सूद पर दिया गया। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ईरान से दोस्ती ना करे। सऊदी अरब नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात अच्छे रहें, बल्कि ये चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से टक्कर ले। पाकिस्तान ईरान से तिजारत ना करे, उनसे गैस ना ले और ईरान को जितना मुआशी नुकसान पहुंचा सकता है पाकिस्तान पहुंचाए। प्यारे दोस्तों, माहरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के तुर्की से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरब से ताल्लुकात रखे। तुर्की के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब को इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि तुर्की खिलाफत उस्मानिया की बातें करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के मलाइशिया से इसलिए अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता क्योंकि मलाइशिया एक नए इस्लामी ब्लॉक और मुस्लिम ट्रेड की बात कर रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान चीन को छोड़ दे और वापस अमरीकी ब्लॉक में शामिल हो जाए और अमरीकी ख्वाहिशात पूरी करे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सऊदी हुकाम कहते हैं कि पाकिस्तान सी पैक को रोल बैक कर दे और ये अमरीका भी चाहता है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इशारे पर लड़े, सऊदी अरब के कहने पर चले, पाकिस्तान अपनी सस्ती लेबर सऊदी अरब भेजता रहे और सऊदी अरब उनका जितना मर्जी इस्तेहसाल करता रहे, जिसके जवाब में पाकिस्तान आवाज ना उठाए। सऊदी अरब को गवादर बंदरगाह से भी मसला है। गवादर पोर्ट अगर फंक्शनल हो गई तो ये अरबों के माली मुफादात पर एक जरब होगी, क्योंकि अगर गवादर में बड़े पैमाने पर तिजारत शुरू हो गई तो अरब ममालिक की कमाइयां नीचे चली जाएंगी। पाकिस्तानी हुकाम का मौकफ यह है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता क्योंकि इससे पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं पाएगा। पाकिस्तान या तो सऊदी अरब की ख्वाहिशात पूरी कर ले या आगे बढ़ जाए। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं वो बंद करे। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान को कुछ न कुछ देगा, लेकिन पाकिस्तान ने यह सब मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने फैसला बहुत मुख्तलिफ किया। एक आम इंकिशाफ यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को धमकी दी है कि याद रखें, आप हमें छोड़ेंगे तो हम OIC छोड़ देंगे। खोजी टीवी के मौजूद दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है और आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान कश्मीर पर OIC का इजलास चाहता है। पाकिस्तान 40-50 मुल्कों को इकट्ठा करके मुश्तरका मौकफ ला सकता है, लेकिन सऊदी अरब भारत की इमा पर पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं देता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की असलियत यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने जरा सा दबाव डाला तो सऊदी अरब ने कहा कि हमारे पैसे वापस कर दें। पाकिस्तान मसले कश्मीर के हवाले से एक साल से सऊदी अरब की मिन्नतें कर रहा है। जब सऊदी अरब नहीं माना तो पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में पैगाम भेजा कि पाकिस्तान दूसरा रास्ता अपनाने जा रहा है, जिस पर सऊदी हुकाम ने दिया हुआ कर्ज वापस करने को कहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के जो ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, वो किसी मुसलमान हुक्मरान के साथ नहीं, और ये बात पूरी मुस्लिम उम्मा जानती है।
मोहम्मद बिन सलमान के अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात नरेंद्र मोदी और इसराइलियों के साथ भी हैं। सऊदी अरब जो कर रहा है, इससे सऊदी अरब के हुक्मरानों की पाकिस्तानियों के दिलों में इज्जत नहीं बढ़ेगी। माहरीन मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ तेल की तिजारत रोक देगा, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमत पाकिस्तान को यह पैगाम भी भेज दिया है कि वो पाकिस्तानी लेबर को वापस उनके वतन भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। यकीनन इस अमल से पाकिस्तान की माली मुश्किलात में इजाफा होगा, लेकिन वो वक्त आन पहुंचा है कि हमें सऊदी असरात से बाहर आना होगा। इन हालात में पाकिस्तान को सऊदी अरब और अमरीकी गुलामी से निकलना होगा, वगरना पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर आप पाकिस्तानी हुकूमत की मौजूदा खारजा पॉलिसी पर निगाह दौड़ाएं तो वो माजी के मुकाबले में बिल्कुल तब्दील दिखाई देती है। पाकिस्तान अपनी आजादी के 73 साल तजुर्बात की रोशनी में खारजा पॉलिसी को अल सिरे नौ तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान आलमी दुनिया से रवाबित और ताल्लुकात बढ़ाने के लिए नई सोच और खुले जहन के साथ आगे बढ़ना चाहता है और रिवायती पॉलिसी से हटकर खारजा पॉलिसी को कदरे लिबरल बनाने का ख्वाहिशमंद है, ताकि बदलती हुई इलाकाई और आलमी सूरत हाल में तमाम अकवाम से ताल्लुकात में तवाजुन लाया जा सके। गुज़श्ता 73 बरसों में हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि खारजा ताल्लुकात में कोई मुस्तकिल दोस्त है ना मुस्तकिल दुश्मन। हर मुल्क खारजा ताल्लुकात में सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात का तहफ्फुज़ करता है, और जब उसके मुफादात को जरा बराबर भी ज़िक पहुंचने का अंदेशा हो तो वो ताल्लुकात को खत्म करने और यू टर्न लेने में एक लम्हा भी जाया नहीं करता। ये कहने में कोई मजायका नहीं कि पाकिस्तानी इस मामले में बहुत ही सादा है और पूरी उम्मत मुस्लिमा का दर्द अपने जिगर में जमा करते रहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुस्लिम को एक कांटा भी चुभे तो पाकिस्तानी शहरी अपनी इस्तेताद के मुताबिक रद्द अमल का इजहार जरूर करते हैं। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी कौमी सोच और मुफादात के बरक्स हुक्मरानों की जाती सोच और फिक्र फलसफे और बरसरे इक्तदार खानदानों के माली और कारोबारी मुफादात की असीर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हुकूमत साजी के अमल में बैरूनी मदाखलत बहुत ज्यादा रहती है, और यही अमल पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है और मुआशी तरक्की के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं। पाकिस्तान सी पैक मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानब तागूती ताकतें इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ है। पाकिस्तान बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करके यहां तक पहुंचा है। मौजूदा हुकूमत हर मुमकिन इकदाम से खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए जदोजहद कर रही है, मगर पाकिस्तान के अजली दुश्मन से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे मौके पर पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान इस वक्त तमाम बिरादर इस्लामी ममालिक के साथ बराबरी और दो तरफा एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करने में कोशां है, और 70 बरसों में अपने तजुर्बे कर चुका है और इतने घाव खा चुका है कि अब वो किसी एक पलड़े में रहकर और यक तरफा मुफादात में फंसना नहीं चाहता, बल्कि तमाम बिरादर मुल्कों को भी बामी तनाज़ात खत्म करने और सुलह करने का पैगाम दे रहा है। लेकिन वतन अजीज से ऐसे मुतालबात किए जा रहे हैं कि वो अब इनका वजन उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रंजिशें, दुख, दर्द और कर बढ़ चुका है, और पाकिस्तान के तमाम बिला मुआवजा किए गए एहसानात भुलाकर इससे हिसाब मांगा जा रहा है, बल्कि इसकी नीयत पर भी शक किया जा रहा है। इसे तहकुमाना लहजे में डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है, इधर या फिर उधर का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब इंतहाई समझदारी से फैसले कर रहा है, वो भी अपने अजली दुश्मनों और अपनी लहू लुहान शहरक बचाने की 1 साल से मिन्नत समाजत कर रहा है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। पाकिस्तान अब मजीद रिस्क लेने और एतबार करने के लिए तैयार नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताजा रिपोर्ट्स के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।